इलाहाबाद के रेड लाइट एरिया में जन्मे पंडित जवाहरलाल नेहरू का आनंद भवन से क्या है रिश्ता? क्या आनंद भवन की जमीन गद्दारी का इनाम है? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था तथा आनंद भवन को कब और किसने बनवाया था? आज का यह वीडियो आधारित है आनंद भवन के कुछ अनसुलझे तथ्यों तथा गांधी और नेहरू परिवार पर। धर्मनगरी प्रयागराज न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से प्रबल है, अपितु इस प्रयागराज में कई ऐसे चेहरों का जन्म हुआ है जिन्होंने समूचे विश्व में अपनी अलग पहचान बनाई। सिनेमा जगत के बॉलीवुड महानायक से लेकर राजनीतिक पृष्ठभूमि पर अपनी छटा बिखेर चुकी इंदिरा गांधी तक और कई ऐसे दिव्य चेहरे हैं जिनका उत्पादन प्रयागराज की इसी पृष्ठभूमि पर हुआ है, जिन पर एक अलग से वीडियो बनाई जा सकती है। उन दिनों प्रयागराज को इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। हम सबको यह तो पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद में हुआ था, लेकिन क्या आपको ये पता है कि नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1989 को मीरगंज में हुआ था? जो प्रयागराज से हैं वह मीरगंज की गलियों से रूबरू होंगे, अगर नहीं तो आपको हम बता देते हैं। मीरगंज इलाहाबाद का रेड लाइट एरिया हुआ करता था, जिसे इन दिनों बंद करा दिया गया है। शहर के पुराने नक्शे में अब मीरगंज का वह मकान नहीं बचा जहां नेहरू जी का जन्म हुआ था, क्योंकि 1931 में सफाई अभियान के तहत नगर पालिका ने उसे गिरा दिया था। उसके पश्चात नेहरू परिवार एल्गिन रोड के बंगले में रहने लगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पुस्तक मेरी कहानी में लिखते हैं, कड़ी मेहनत और लगन से वकालत करने का परिणाम यह हुआ कि धड़ाधड़ मुकदमे आने लगे और खूब रुपया कमाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस लेख पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। 1857 में प्रथम विद्रोह में वफादारी के लिए स्थानीय ब्रिटिश प्रशासन ने शेख फैयाद अली को 19 बीघा भूमि का पट्टा दिया, जिस पर उन्होंने बंगला बनवाया। 1988 को यह जमीन और बंगला जस्टिस सैयद महमूद ने खरीद लिया और फिर 1994 में यह राजा जय किशन दास ने खरीद लिया। इलाहाबाद शहर में रहने वाले बूढ़े बुजुर्गों तथा किस्से कहानियों के जरिए कुछ बातें पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। तो क्या यह जमीन 1857 में विद्रोह में गद्दारी का इनाम है? जबकि इस विद्रोह में शहर ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था और उसकी कीमत हजारों लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई थी। आधा शहर खंडहर हो गया था, इसका जिक्र गैजेटियर में भी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू ने 7 अगस्त 1899 में 20,000 रुपये में 19 बीघे का बंगला राजा जयकिशन दास से खरीदा, जिस पर एक मंजिल का विशाल भवन बना था। मोतीलाल जी ने आनंद भवन में और निर्माण कराया। बाद में 1930 में आनंद भवन को स्वराज भवन बना दिया गया। आनंद भवन इलाहाबाद में स्थित नेहरू गांधी परिवार का पूर्व आवास है, जो अब एक संग्रहालय के रूप में है। वस्तुतः यह वह अपेक्षाकृत रूप से नया भवन है। मोतीलाल नेहरू ने इस नए भवन का निर्माण 1930 में कराया था और अपने पुराने आवास को कांग्रेस के कार्यों हेतु स्थानीय मुख्यालय बना दिया। पूरे आनंद भवन का नाम स्वराज भवन कर दिया गया। इस नए आवास को आनंद भवन कहा जाने लगा और नेहरू परिवार नए भवन यानी आनंद भवन में आ गया। अब स्वराज भवन कांग्रेस का घोषित दफ्तर बन गया। स्वतंत्रता आंदोलन 1942 के आंदोलन में ब्रिटिश सरकार ने स्वराज भवन को जब्त कर लिया था और वह देश आज़ाद होने के बाद ही मुक्त हो सका। 1948 में कांग्रेस का मुख्यालय इलाहाबाद से दिल्ली चला गया। आज़ादी के बाद पंडित नेहरू ने स्वराज भवन को अनाथ बच्चों का बाल भवन बना दिया और अन्य सांस्कृतिक कार्यों के लिए बना दिया। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म भी आनंद भवन में ही हुआ था। विरासत में बचा आनंद भवन इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद 1 नवंबर 1970 को जवाहरलाल नेहरू स्मारक निधि को सौंप दिया।
1971 में आनंद भवन को एक स्मारक संग्रहालय के रूप में दर्शकों के लिए खोल दिया गया। फिलहाल आनंद भवन और नेहरू परिवार के बारे में तमाम जानकारियां कहानी किस्सों के रूप में शहर के गली कोचों में पूछताछ करने पर मिलती हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग एक दूसरे को सुनाते आए हैं। लेकिन किस्सों से इतिहास नहीं बनता, जबकि आनंद भवन स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो चुका है। नेहरू परिवार आज भी इंदिरा गांधी की कड़ी में गांधी परिवार के नाम पर चल रहा है। समय का चक्र इतिहास बना रहा है। गांधी परिवार आज भी उसका एक नायक है, लेकिन इलाहाबाद कहीं नींव का पत्थर भर रहा है। नेहरू और इंदिरा गांधी के जीवन की कई महत्वपूर्ण घटनाएं यहां घटित हुईं। स्वतंत्रता आंदोलन में तीसरा स्थान ऐतिहासिक महत्व रहा है। देश की आज़ादी में पहले आनंद भवन कांग्रेस मुख्यालय के रूप में रहा और उससे भी पहले राजनीतिक सरगर्मियों का केंद्र रहा। पंडित नेहरू ने 1928 में पहली बार यही पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला भाषण लिखा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप यहीं पर बना। यही नहीं, तमाम ऐतिहासिक फैसले या उनकी रूपरेखा यहीं पर बनी। आज आनंद भवन को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। आनंद भवन में प्रवेश करते ही आपको टिकट लेना होगा, जिसमें पहली मंजिल का टिकट 20 रुपये का तथा दूसरी मंजिल का टिकट 70 रुपये का है। आनंद भवन में पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी कई वस्तुएं उपलब्ध है, जिन्हें दूर से आने वाले दर्शक देखते हैं, और इसी के अंदर तारामंडल भी है। प्रयागराज जंक्शन से आनंद भवन की दूरी महज 5 किलोमीटर की है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें।